ये देखिए ग्रामीण एरिया है दोस्तों, ये मक्का शहर का ग्रामीण एरिया आप देख रहे हैं। वेलकम बैक, मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो आज तो दोस्तों मक्का शहर के गांव यानी ग्रामीण एरिया का आपको दोस्तों क्षेत्र दिखाऊंगा पैदल चलकर, और मक्का शहर के गांव का जो है आपके लिए यहाँ की जीवन शैली दिखाऊंगा कैसी है। ये देखिए अगर सामने का व्यू दोस्तों, ये देखिए ये सारे पुराने पुराने घर यहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए आपको हर जगह यहाँ पर गाड़ी वगैरह मिलेंगी यहाँ पर माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, ये देखिएगा पूरा माशाल्लाह, ये देखिए पूरा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सारे पुराने घर मिलेंगे आपके लिए दोस्तों। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पूरे पुराने पुराने घर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। मक्का ग्रामीण क्षेत्र का ये देख रहे हैं आप, ये सारा दोस्तों पुराने घर हैं यहाँ पर। ये देखिए सब पुराने घर के टाइम के बने हुए घर हैं दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह। मैं आपको आज घूम कर ये मक्के गांव का ये सारा अपने घर आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं आप। इसी तरीके ये पूरे पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए इस साइड में देखिए, मैं आपको एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की हरी हैं पड़े हुए हैं सब पुराने टोर के रोड इस तरीके का। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके सब ये पुराने पुराने घर, लेकिन यहाँ पर आपको गाड़ी में सारी मिलेंगी दोस्तों, फोर व्हीलर वगैरह। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको टू व्हीलर साइकिल वगैरह दिख रहे हैं, कितने गरीब सहयोगी हो तो आप देख लीजिए दोस्तों। दिख रहे हैं इस सामने, देख लीजिएगा आप, बिल्कुल पुराने पुराने घर हैं माशाल्लाह। देखिए यहाँ पर, देखिए कितना नीलाम, देखिए यहाँ पर ये गंदगी फेंकने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए सब ये पुराने पुराने घर हैं माशाल्लाह, ये देखिएगा आप। बड़े एरिया में है और ये मक्का शहर का बहुत पुराना घर है दोस्तों। देखा आपने दोस्तों? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ आपको नज़ारा दिखा के लेके आते हैं। और ये देखिएगा सब यहाँ पर, देखना एक गली टाइम में होती है ना, रोड में काम में होते हैं, इस तरीके से जो है सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से यहाँ पर, हर एक के पास यहाँ पर गाड़ी ज़रूर होगी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, देखते हैं कितने पुराने पुराने घर हैं, देखिएगा। बहुत पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए सारा माशाल्लाह। और देखिए इस साइड में देख रहे हैं आप, पुराने पुराने घर हैं। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मक्का की कुछ ख़ास ज़ारतें, और वो ज़ारतें जो औरत अंदर नहीं जा सकती हैं, वो ज़ारत कहाँ से आप ईजी कर सकते हैं वो मैं ज़ारत तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों। चलिएगा ये पूरे जो हैं पुराने घर हैं यहाँ पर दोस्तों, देख रहे हैं आप माशाल्लाह, तो पूरे पहाड़ी पे आप देख रहे हैं पूरे पुराने घर हैं। देखिए सामने खजूर के पेड़ हैं, देख रहे हैं आप। और हम निकलते हैं अब रोड की तरफ को, और दिखाते हैं आप देखो
इस साइड का नज़ारा ये देखिएगा सब यहाँ पर माशाल्लाह। और ये लोग अब देख रहे हैं सब पुराने टाइम के सारे घर पड़ गए। ये देखिए दोस्तों सामने आया था मेन रोड। फाइनली देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ अजारत के पास और ये है मस्जिद जिन। मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये है मस्जिद जिन। और इसी मस्जिद जिन पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जो है जिन्होंने जो है ईमान कबूल किया था दोस्तों। तो ये मस्जिद जिन है और ये हरम के बहुत ही करीब है। ये देखिए आपके लोग टावर देख रहे हैं आप और इस साइड में देख रहे हैं आप ये सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये मस्जिद जिन है तो आप यहाँ पर आके जो है यहाँ आज़ाद वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिएगा दोस्तों और ये 5-स्टार होटल है, अल जज़ीरा होटल है। ये मैन रोड चिल्ला हैगा, ये देख लीजिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिएगा दोस्तों और ये देख लीजिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अब चलिए मैं आपके अगली वाली ज़ियारत का नज़ारा करा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर जो महिलाएं लेडीज़ अगर जन्नतुल माला आना चाहती हैं और ज़ियारत करना चाहती हैं क्योंकि महिलाओं के लिए और औरतों के लिए अंदर नहीं घुसन दिया जाता है तो मैं आपको बहुत अच्छी जगह बता दे रहा हूँ। आप वहाँ से जो है जन्नतुल माला की जो है ज़ियारत कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये दोस्तों। मस्जिद जिनके बराबर में ही रास्ता है, ये मैं दिखा दूँ। देखिए अभी हाजी वगैरह ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं सामने ये सब ज़ियारतों के लिए आ रहे हैं और इसी की ही गली में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए मस्जिद जिनके बिल्कुल बराबर में वाली गली है, ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये देखिएगा दोस्तों सामने ये हाजी जो है कमरे वाले आए हुए हैं गाड़ी से, देखिए उतर रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिए। और ये मस्जिद जिनके साथ में ही दोस्तों माला है। मस्जिद जिनकी ये अंदर वाली गली के अंदर ही जो है ये आपको दुकानें नज़र आ जाएंगी यहाँ से। और इसी के सामने ही जन्नतुल माला है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप हरम से इस साइड से आएंगे बिल्कुल सीधे हरम से, देखिए ये है जन्नतुल माला। ये जगह खाली पड़ी हुई है ना, तो यहाँ से आप अपनी आराम से ज़्यारतें कर सकते हैं। ये देखिए पूरा सीधा यहाँ से रोड है, ये आपको क्लॉक टावर दिख रहा होगा। ये देखिएगा ये सीधा हरम से रास्ता आ रहा है। ये देखिएगा दोस्तों देख रहे हैं आप, और जब सीधे आओगे तो ये जगह जो मैदान पड़ा हुआ है ये जन्नतुल माला का, देखिए महिलाएं जो है लेडीज़ खड़ी हुई हैं, ये सब जो है ज़ियारत करने के लिए आई हैं। वो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये है जन्नतुल माला और इसी जन्नतुल माला में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है आराम फरमा रही है। और सामने जो आप देख रहे हो रोड है मेन, उधर से भी आप जगह खाली है वहाँ से भी आप जो है ज़ियारत कर सकते हैं जन्नतुल माला की दोस्तों। ये देख रहे हैं आप ये पूरी जन्नतुल माला है यहाँ, ये देख लीजिए दोस्तों देखिए ये पूरी देख रहे हैं बाहर जाली लगी, मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है। चलिए अब मैं आपके लिए आगे लेकर चलता हूँ दोस्तों। लेडीज़ के लिए महिलाओं के लिए है, जो आपने देखा लेडीज़ें बैठी हुई हैं क्योंकि महिलाओं के लिए अंदर जन्नतुल माला में जाना जो है अलाउ नहीं है। तो ये आप यहाँ पर आके आप अपनी ज़ियारत कर सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको एक ज़ियारत और दिखा देता हूँ दोस्तों। मस्जिद शजर, ये मस्जिद शजर वो है, शजर कहते हैं पेड़ के लिए, और वो पेड़ है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ से बात की थी दोस्तों। वहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, इसकी भी बहुत बड़ी हदीस है और कुरान मजीद के अंदर भी इसका जिक्र आया हुआ हैगा। चलिए वो मैं मस्जिद आपके लिए दिखाता हूँ दोस्तों। और ये सबसे पहले देखिए जो हाजी जो है उम्रे वाले आए हुए हैं ज़ियारत पर, ये सामने देखिए हाजी खड़े हुए हैं क्योंकि जन्नतुल माला के अंदर जो है हाजी वगैरह तो जा सकते हैं। ये देखिएगा सामने हाजियों के लिए दोस्तों, ये सब जो है हाजी आप देख रहे हैं ये ज़ियारत के लिए आए हैं जन्नत माला के लिए। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जो है हाजी अंदर जाता हैगा। ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई हैं और जन्नत माला के बाहर ये मार्केट वगैरह है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं दोस्तों। और होटल वगैरह भी हैं। चलिए मैं आपको
दिखाता हूँ मस्जिद सजर, और ये है इसका मेन एंट्रेंस जन्नतुल माला का अंदर जाने के लिए। ये देख लीजिएगा, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। चलिएगा मैं आपको अगली वाली ज़रा दिखा देता हूँ दोस्तों। ये भी जन्नतुल माला के बराबर में है मस्जिद सजर, ये देख रहे हैं आप, ये दुकान के बराबर में है। सामने फ्लाईओवर है, इसको पुल कहते हैं दोस्तों। वहाँ से मैं भी आपको दिखा देता हूँ सामने का बिल्कुल फ्रंट से इस मस्जिद सजर के लिए। यही है दोस्तों मस्जिद सजर, हमारे प्यारे नबी नबीम ने जो है सजर कहते हैं पेड़ के लिए। तो यहाँ पर पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ से ने जो है अल्लाह के नबी से बात की थी, और इसकी हदीस है। और कुरान मजीद के अंदर जो है सजर का जो है नाम आया, सजर कहते हैं पेड़। तो ये हम मस्जिद बना दी गई है, इसके बराबर में पूरी जन्नतुल माला है। वहाँ से वहाँ तक ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारी जो है दोस्तों जन्नतुल माला का एरिया है। काफ़ी साहबी इसी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं माला के अंदर। इसके साथ में ये होटल है, मैरियट होटल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों सजर मस्जिद के पास। और ये देखिए यहाँ पर ये फ्लाई ओवर है, यहाँ पर ये कबूतर वगैरह हैं। सामने आप लोग टावर को देख सकते हैं, ये मेन रोड वगैरह चल रहा आएगा दोस्तों। ये ज़ारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको दिखाता हूँ अल्लाह के नबी नबीम का पैदाइश का घर। चलिए वहाँ चलते हैं हरम के पास, वो दिखाते हैं आपको दोस्तों। और ये गजा शोएब आमिर का जो है मक्का बस स्टैंड है, यहाँ से मस्जिद जोराना के लिए बसेज वगैरह मिलती हैं। ये देख रहे हैं 10 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, ये जगह जो है गजा की है दोस्तों। और चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ये पूरा ये मेन रोड है, काफ़ी बड़ा मैदान है माशाल्लाह। और यहाँ से आपकी एक लोग टावर दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों। तो सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। चलिएगा दोस्तों आपको मैं अगली वाली ज़ारत इंशाल्लाह दिखाता हूँ, और एकदम आपका तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फाइनली मैं आ गया देख रहे हैं ज़ारत के पास, और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना दोस्तों, ये देखिएगा। और ये ज़ारत है हमारे प्यारे नबी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर, ये सामने जो है। और इसी पहाड़ी पर, इस पहाड़ी के ऊपर की भी एक भतीस है, और ये है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर दोस्तों, जिसको लाइब्रेरी बना रखा है। अगर आप ज़ारत करना आते हैं तो ये बिल्कुल हरम के करीब है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे हरम के करीब है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अबू जहल का घर, जिसको टॉयलेट बना रखा है। ये बिल्कुल मरवा के बिल्कुल बाहर को है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मरवा के बाहर की तरफ का है। तो आप यहाँ की ज़ारत वगैरह कर सकते हैं माशाल्लाह, ये देखिएगा दोस्तों। और ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा है, अबू जहल का जगह पर जो बनाया गया हैगा। और यहीं पर ही जो है दोस्तों हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी घर था दोस्तों, वो पिछली वीडियो बना सकता हूँ, तो आप ये ज़ारत वगैरह कर सकते हैं। और अल्लाह के नबी का ये पैदाइश का घर अभी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया मक्का शरीफ का ग्रामीण यानी गांव का क्षेत्र, ये घर बार मैंने आपको दिखाए पैदल चलकर के, आपको ये कैसे लगे। और ये जो मैंने ज़ारतें दिखाई जन्नतुल माला मस्जिद जिन और अल्लाह के नबी का पैदाइश का घर, तो आप कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख लीजिएगा मेरे सामने, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये घर का दीदार एक दफ़ा और कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी मिली। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।